उनमिन बोर्ड की इलेक्शन में कई रिटायर्ड फौजी अफसरान भी मैदान में हैं। मुल्की सरहदों पर खिदमत सर अंजाम देने वाले सियासी मैदान में भी खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। शमील अहमद की रिपोर्ट। कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात, रिटायर्ड फौजी अफसरान भी मैदान में। 10 वार्ड्स पर मुश्तमिल मलीर कंटोनमेंट बोर्ड, जिसमें मलीर छावनी समेत कुर् ब जवार के इलाके शामिल हैं। जमात इस्लामी ने वार्ड 1 से कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद रजा को मैदान में उतारा। करता था, बैठा मैं कंटोनमेंट बोर्ड में हूँ, नुमाइंदा मैं सिविलियन का हूँ और मैं सिविलियन के ही मफादात की हिफाजत करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे की चोट पर लोगों के मफादात का तहफ्फुज किया है और आज सिर्फ मेरे साथी सिविलियन आबादी के लोग ही नहीं मानते बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान भी इस चीज को मानते हैं। वार्ड 2 से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पाक फजाइए के पहले फाइटर पायलट मोहम्मद अशरफ अबू बकर उम्मीदवार हैं। समाजी जो काम है वो जाहिर बात है, चाहे आप फौज में हो या सिविल में हो, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन माशरे में कुछ नहीं है। जो मसाइल यहाँ पे हैं और जो हम समझते हैं कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कम्युनिकेट करूँ सबसे पहले। वार्ड 7 से मेजर अब्दुल वाहिद गौरी मुखालफीन को चेक करने के लिए तैयार हैं। मिलके और कंट्रोल बोर्ड के लिए हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे यहाँ पे, और जो डेवलपमेंट है, लोगों के मसाइल हैं, उसके लिए हम टीम वर्क के साथ और टीम एफर्ट के साथ जो है ना, हम इसको इंशाल्लाह मसाइल को हल करेंगे। मुल्क की सरहदों पर खिदमत सर अंजाम देने वाले सियासी मैदान में भी आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। शमील अहमद, आज